दोस्तों, गंजे ओकारी अनोखे प्राइमेट हैं। इनके चमकीले लाल चेहरे और गंजे सिर से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जो इन्हें अमेजन वर्षावन में सबसे अलग बनाता है। ये बंदर मुख्य रूप से फलों और बीजों पर भोजन करते हैं। अपने मजबूत जबड़े और दांतों का उपयोग करके कठोर खोल को तोड़ते हैं। यह विशेष आहार इन्हें अपने वर्षावन आवास में पनपने में मदद करता है। ये बड़े समूहों में रहते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत बंधन होता है। यह सामाजिक संरचना इन्हें घने वर्षावन में रहने की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। गंजा उकारी या गंजा सिर वाला उकारी एक छोटा नई दुनिया का बंदर है। इसकी बहुत छोटी पूंछ, चमकीला लाल चेहरा, गंजा सिर और लंबा कोट होता है। गंजा उकारी ब्राजील और पेरू के पश्चिमी अमेजन में पानी के पास वेर्जिया जंगलों और अन्य जंगली आवासों तक ही सीमित है। इसके शरीर का वजन लगभग 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलो 600 ग्राम तक हो जाता है। नर उकारी के सिर और शरीर की लंबाई औसतन 46 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा उकारी के सिर और शरीर की लंबाई औसतन 44 सेंटीमीटर होती है। सामान्य तौर पर गंजा उकारी का कोट लंबा झबरा होता है, जिसका रंग सफेद से लाल होता है और इसका सिर गंजा होता है। इसकी पूंछ की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, यानी कि छोटी होती है। इसका लाल चेहरा त्वचा के रंग द्रव्य की कमी और इसके चेहरे के ऊतकों के नीचे चलने वाली भरपूर कोशिकाओं के कारण होता है। वृक्षीय गंजा उकारी पेरू और ब्राजील के देशों में अमेजन नदी बेसिन के क्षेत्र में मौसमी रूप से बाढ़ वाले जंगलों में रहना पसंद करता है। यह महत्वपूर्ण है कि उकारी वृक्षीय है और यह पेड़ की चोटियों पर रहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में जंगलों में बाढ़ आ जाती है और पानी काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ जाता है। शुष्क मौसम के दौरान यह बीज और अन्य खाद्य सामग्री की तलाश में जमीन पर लौट आता है। इसका शक्तिशाली निचला जबड़ा एक आभासी दंत कंघी बनाता है, जो उकारी को कच्चे फलों की कठोर सतहों को खोलने और उन नट्स को खाने की अनुमति देता है, जिन्हें अधिकांश अन्य प्राइमेट नहीं खोल पाते हैं। यह अपने रास्ते में आने वाले कीड़ों को भी खा लेता है। हालांकि यह विशेष रूप से इस प्रकार के भोजन का पीछा नहीं करता है। गंजा उकारी 5 से 30 सदस्यों के बहु नर बहु मादा समूहों में और यहाँ तक कि 100 तक की संख्या में प्रतिदिन 5 किलोमीटर तक की यात्रा करते हुए पाया जा सकता है। मादा फिलोपेट्री के सामान्य प्राइमेट व्यवहार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मादा उकारी भी फिलोपेट्रिक होती है। इसका मतलब है कि नर जन्मजात समूह को छोड़ देते हैं। समूह की कुल घरेलू सीमा 450 से 600 हेक्टेयर के बीच होती है। इसके लिए कुशल क्षेत्रीय रक्षा तंत्र की जरूरत होती है। इनमें से कुछ में विशिष्ट आवाज, पूंछ को हिलाना और बालों को खड़ा करना शामिल है। इनके चेहरे की चमकदार लाल त्वचा अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देती है और स्वस्थ साथी का निर्धारण करने में मदद करती है। इनके प्रजनन का मौसम अक्टूबर से मई के बीच होता है। मादा उकारी का गर्भकाल लगभग 6 महीने का होता है। दोनों लिंगों में एक स्टर्नल ग्रंथि होती है, जो घ्राण संचार में शामिल हो सकती है, खासकर संभोग के दौरान, जब मादा एक आकर्षक गंध जारी करके नर को संभोग के लिए प्रोत्साहित करती है। गंजा उकारी लगभग 30 साल तक जीवित रह सकता है। हालांकि यह कैद में 30 साल से ज्यादा भी जीवित रह सकता है। उकारी के स्थान के कारण इन जानवरों के लिए मलेरिया का अनुबंध करना बेहद आम है। जिन प्राइमेट्स ने इस बीमारी को अनुबंधित किया है, वे स्पष्ट रूप से पीले हो गए हैं और उन्हें यौन साथी के रूप में नहीं चुना जाता है, क्योंकि उनके पास मलेरिया के लिए वांछित प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं है। गंजे उकारी की 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक को विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील माना जाता है।
इन उप प्रजातियों में सफेद गंजे सिर वाला उकारी, उकाए आली गंजे सिर वाला उकारी, लाल गंजे सिर वाला उकारी और नोवाए का गंजे सिर वाला उकारी शामिल है। अपनी विशिष्ट उपस्थिति के बावजूद गंजे उकारी जंगल में खतरों का सामना कर रहे हैं। वनों की कटाई और शिकार इनकी आबादी पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे इनके अस्तित्व के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हो गए हैं। कुल मिलाकर गंजे उकारी अमेजन वर्षा वन में एक अनोखी और महत्वपूर्ण प्रजाति है। इन आकर्षक प्राइमेट के बारे में अधिक जानने से हम इनके नाजुक संतुलन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की पशु पक्षियों से जुड़ी नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।